चलिए सबसे पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कैफ फंसाई से। आप बताइए सबसे पहला, प्लाज्मा में जल कितना परसेंट होता है? प्लाज्मा में जल कितना परसेंट? प्लाज्मा में जल बात रही है, आप लोग बोलिए मत, प्लाज्मा में कोई नहीं बोलेगा, प्लाज्मा में जल कितना प्रतिशत? आप बताइए बाबू, आरबीसी का दूसरा नाम क्या होता है? आरबीसी को हिंदी में क्या कहते हैं? लाल रक्तकण। डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम? श्वेत रक्तकण। डब्ल्यूबीसी का तीसरा नाम? ल्यूकोसाइट। आप बताइए प्लेटलेट्स का दूसरा नाम? तीसरा नाम? पट्टिका। चौथा नाम? चौथा नाम बताइए, डिम्बाणु पटिकाणु और प्लेटलेट्स बताइए क्या था? और एक और था, आप बताइए प्लेटलेट्स का चौथा नाम? ऑडियो से कुछ लिया जाए, चले बाबू आप लोग बताइए, बताए जी क्या होगा? चले दोनों में गलत होगा इसलिए नहीं भेजेंगे। अगला क्वेश्चन आप बताइए, ध्यान से सुनिए, जो पढ़ा दिए हैं जो ध्यान से सुना होगा पूरा बता देगा। आप बताइए आरबीसी का काम क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन। आरबीसी का जीवन काल कितना दिन का होता है? आरबीसी का कवर किसको बोलते हैं? आरबीसी का रंग किसके कारण लाल होता है? किसके कारण आरबीसी का रंग किसके कारण लाल होता है? हाँ, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या चीज के मिलने से बनता है? आप बताइए जन्म से पहले खून कहाँ बनता है? जन्म के बाद खून कहाँ बनता है? यदि याद किया है कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन, अब थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों से, आप बता दीजिए एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, पित्त अस्थि मज्जा जो होता है उसमें किसका निर्माण होता है? लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? आरबीसी का। अगला क्वेश्चन आप बता दीजिए, जो प्लाज्मा होता है प्लाज्मा में प्रोटीन पाया जाता है, उस प्रोटीन का नाम क्या है? फाइब्रिनोजन। क्या बात है, आप बताइए रक्त जो होता है ब्लड, ब्लड कैसा ऊतक है? तरल संयोजी ऊतक है। अगला बताइए आप, और कौन कौन जवाब नहीं तो पढ़ा है, डब्ल्यू सी में पढ़ा है अभी, यहाँ तक आप लोगों का कंप्यूटर। कुछ अलग से क्वेश्चन पूछ लिया जाए जी, दो चार क्वेश्चन एक्स्ट्रा, तो ये इसको कहते हैं पावर, सब याद है। बताइए ऊर्जा का सिक्का किसे बोलते हैं? आप बताइए कोशिका का पावर हाउस किसे बोलते हैं? आप बताइए कोशिका के आत्महत्या की थैली किसे बोलते हैं? कोशिका को, कोशिका की आत्महत्या की थैली? आप बताइए कोशिका की जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें चक्र चलता है, उस चक्र का नाम क्या है? आप बताइए प्रोटीन की फैक्ट्री किसको बोलते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम। आप बताइए अगला क्वेश्चन, कोशिका की खोज सबसे पहले किसने किया था? नाइन्थ वाले से पूछेंगे तो ही बता देगा। रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन। चलिए बहुत बढ़िया, लगभग इतना क्वेश्चन हमने 10 कम से कम 10-15 क्वेश्चन पूछा। इससे ये पता चलता है कि क्लास में जो बच्चे अगर आप लोग बैठे हुए हैं तो क्लास टाइम में ही आधा टॉपिक 50% 60% टॉपिक आपको क्लास टाइम में ही याद हो गया। अब कुछ जो बाकी है घर पे जाकर एक बार देख लीजिएगा लोग, सब बात माइंड में क्या हो जाएगा। अगर यहाँ भी समझ में आया तो यूट्यूब पर एक एक टॉपिक हमने पढ़ा कर डाला हुआ है, वहाँ से आप जाके एक बार घर पर प्रैक्टिस कर लीजिए और देख लीजिए। लेकिन जो पढ़ा दिया जा रहा है उसमें से एक भी गलती होना नहीं चाहिए, ठीक है? चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, ना फिर कब पूछा जाएगा।